मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 दिन से जोधपुर दौरे पर चल रहे सीएम गहलोत की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। वहां मौजूद अधिकारियों ने मेडिकल टीम को बुलाया और SN मेडिकल कॉलेज की टीम ने सर्किट हाउस पहुंचकर उनकी जांच की और फिर कुछ देर आराम करने के बाद सीएम पाली के जेतारण की निमाज पंचायत समिति के कार्यक्रम में पहुंचे। गहलोत यहां ग्रामीण ओलंपिक के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। बताया जा रहा है अब सीएम गहलोत की तबीयत में सुधार है। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सीधी भर्ती परीक्षा 2022 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मिनिमम पासिंग मार्क्स का हवाला देते हुए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में सिर्फ 7069 कैंडिडेट्स को ही पास किया है। इनमें नॉन TSP एरिया के 6873 और TSP एरिया के 196 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, जबकि नॉन TSP एरिया के 8974 और TSP एरिया के 888 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी। आपको बता दूं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 9862 पोस्ट और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 295 पोस्ट मिलाकर कुल 10157 पोस्ट के लिए 18 और 19 जून 2022 को परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 252,000 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, आज से जयपुर दिल्ली हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। NHAI की ओर से जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी की गई है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहाँपुर टोल पर नई दरें बुधवार रात 12 बजे यानी कि 1 सितंबर से लागू होगी। NHAI ने 10-15% तक टोल बढ़ाया है। टोल दरों में बढ़ोतरी होने से जयपुर दिल्ली की यात्रा करने वाले वाहनों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। आपको बता दूं इससे पहले भी 1 जुलाई से अजमेर आगरा रोड पर टोल दरों में वृद्धि की गई थी। अब जयपुर दिल्ली हाईवे पर जयपुर के दिल्ली तक दौलतपुरा, मनोहरपुर, शाहजहाँपुर 3 टोल प्लाजा है। तीनों टोल प्लाजा से निकलने वाले सभी वाहन पर टोल दरों में वृद्धि की गई है। एक और बड़ी खबर, आज सितंबर के महीने की शुरुआत हो गई है और नया महीना अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, जिसका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो KYC न होने पर आपको अकाउंट चलाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे पर भी यात्रा करने पर आपको ज्यादा टोल देना होगा और कुछ देर बाद LPG सिलेंडर की भी नई दरें तय हो जाएगी। यानी कि हम जो घरों में घरेलू सिलेंडर यूज करते हैं उसके आज दाम या तो कम हो सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, लगातार अच्छी बारिश के बाद अब मानसून ने ब्रेक ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, हालांकि कल शाम को मात्र कुछ स्थानों में, उत्तरी राजस्थान के कुछ स्थानों पर और पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन प्रदेश का अधिकतर एरिया सूखा ही रहा। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून का यह ब्रेक 10 दिन का हो सकता है। माना जा रहा है 5 या 7 सितंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। एक और बड़ी खबर, एशिया कप 2022 में टीम इंडिया सुपर 4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारत ने अपने दोनों लीग मुकाबले जीत लिए हैं। पहले मैच में रोहित की टीम ने पाकिस्तान और दूसरे मैच में बुधवार को हांगकांग को 40 रन से हराया। तो यही थी देश और प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश और देश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।